दोस्तों, क्या आपकी स्कूटी में भी हैंडल वाइब्रेशन, लो पिकअप और अनइवन एक्सीलरेशन की प्रॉब्लम है? अगर है तो इस वीडियो को ज़रूर से अंत तक का देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं सीवी गैरेज। तो दोस्तों, लो पिकअप, हैंडल वाइब्रेशन और अनइवन एक्सीलरेशन को रिपेयर करने के लिए या इसको जो है वैनिश करने के लिए हमें अपने जो है ट्रांसमिशन को रिपेयर करना होगा। तो इसके लिए हमें अपना क्लच कवर खोलना होगा। तो चलिए क्लच कवर को खोल लेते हैं और ट्रांसमिशन को रिपेयर करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक क्लच कवर खोल लिया है। क्लच कवर खोलने के बाद हमें ये ड्रम खोलना है, क्लच ड्रम। तो इसको खोलने के लिए इस प्रकार का स्पेशल होल्डर लगेगा। तो जल्दी से इस होल्डर को इस पर लगाते हैं। तो इस होल्डर को लगाने के बाद हमें अच्छे प्रकार से इसे टाइट करना है ताकि ये स्लिप ना करें। तो इसे अच्छी प्रकार से टाइट करने के लिए हम इस प्रकार का जो है 16 नंबर का जो है स्पैनर यूज करेंगे। तो जल्दी से इसे टाइट कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से टाइट करना है हमें ताकि ये जो है जब हम इस नट को खोलें तो ये जो है स्लिप ना करे। तो अब हमें 19 मिलीमीटर का जो है सॉकेट लेना है, उसकी मदद से इसे खोलना है। तो आप सॉकेट या रिंग स्पैनर कुछ भी ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइट होता है लेकिन ये आसानी से खुल जाता है। तो यहाँ पर ये खुल चुका है। तो यदि आप होल्डर नहीं यूज करते तो इसको खोलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता। तो ये खुल चुका है। तो इसमें एक वॉशर लगी होती है, तो इसको आपको संभाल के रखना है। तो आप जेंटली हमें जो है इस क्लच ड्रम को बाहर निकाल लेना है, क्लच बेल या क्लच ड्रम, इसको बाहर निकाल लेना है। तो क्लच ड्रम को बाहर निकालने के बाद यहाँ पर क्लच शू लगे हुए हैं हमारे, तो क्लच शू को भी बाहर निकाल लेना है। तो जल्दी से इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। तो ये क्लच शू भी हमारे बाहर आ चुके हैं यहाँ पर। तो इसे बेल्ट से अलग कर लेते हैं। तो ये बेल्ट से अलग हो चुका है। अब हमें जो है अपनी वेरिएटर की असेंबली खोलनी है। तो ये हमारी वेरिएटर की असेंबली है। तो यहाँ पर मैंने पहले से होल्डर लगा लिया है, यूनिवर्सल क्लच होल्डर बोलते हैं इसे। तो इस होल्डर को लगा लिया है। अब हमें 17 मिलीमीटर का जो है सॉकेट लेना है और एक पाइप लेना है ताकि हम लीवरेज को या टॉर्क को इंक्रीज कर सकें। तो जल्दी से इसे खोल लेते हैं। तो इसको खोलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, थोड़ा सा टाइट होता है लेकिन खुल जाता है आसानी से। तो खुल गया है यहाँ पर। तो अब इसे जेंटली जो है इस नट को लूज कर लेते हैं। तो नट लूज करने के बाद इस वेरिएटर की असेंबली को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये बाहर आ गया, इसके साथ एक वॉशर भी होता है। अब जो है हमें अपनी बेल्ट ड्राइव जो है रिमूव करनी है। तो ये बेल्ट ड्राइव भी हमारी रिमूव हो गई है। इसके बाद हमारा जो मेन कंपोनेंट जो कि हमारी वेरिएटर है और वेरिएटर के रोलर लगे होते हैं इसके अंदर, तो ये बाहर आ जाएगा। तो इसके साथ एक बूस्ट भी होता है, इसको भी आपको संभाल के रखना है। तो ये बूस्ट हो गया हमारा और यहाँ पर इसको वापस लगा लेते हैं। और यहाँ पर ये हमारी वेरिएटर की असेंबली है, तो इसमें जो है रोलर्स भी होते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हमने सारे पार्ट खोल लिए हैं। तो ये सबसे पहले हम इसे क्लीन करेंगे। ये है क्लच बेल है हमारा, क्लच ड्रम भी बोलते हैं इसको कोई लोग, ऐसे टेक्निकल नेम इसका क्लच बेल है। तो सबसे पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। दरअसल इसमें थोड़ा सा हम एमरी पेपर लेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, और हल्का 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 सा, बहुत हल्का सा, ज़्यादा नहीं वरना डीप स्क्रैचेस पड़ जाएंगे इसके अंदर, तो वो फिर एक क्लच ड्रम किसी काम का नहीं रहेगा अगर डीप स्क्रैचेस पड़ गए। तो इसमें देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा जो डस्ट है वो अकोमोडेट हो गई है। तो इस सबको रिमूव करना है हमें। दोस्तों, एमरी पेपर से घिसने के बाद इसमें थोड़ा सा पेट्रोल छिड़क लेना है और उसके बाद इसे एक साफ क्लॉथ लेना है और उससे उसके भी जो हमने डस्ट वगैरह है उसको वाइप अप कर लेना है। तो इसे कर लेते हैं। दोस्तों, तो ये वेरिएटर की फ्रंट साइड की प्लेट है, तो इसको भी क्लीन करना है पेट्रोल की मदद से और मेक श्योर कि इसमें कोई भी ज़्यादा डीप स्क्रैचेस ना हो। नहीं तो अगर इसमें डीप स्क्रैचेस हैं तो इसको भी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसमें कोई भी डीप स्क्रैच नहीं है तो इसको, ये सही है इसका मतलब। तो इसको पेट्रोल की मदद से क्लीन कर लेंगे और एक साफ क्लॉथ लेना है बिल्कुल। इसमें कोई भी डर्ट ग्रीस वगैरह नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर इसमें जो बेल्ट स्लिपेज की प्रॉब्लम है वो आ जाती है। तो इसको साफ़ करना है बिल्कुल अच्छे ढंग से, कोई भी ग्रीस वगैरह नहीं होना चाहिए इसमें, डर्ट और ग्रीस।
काफ़ी अच्छे तरीके से साफ़ हो गया है, तो इसको साइड में रख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों ये हमारे पास बेरेटर असेंबली है, तो ये देख सकते हैं ये सबसे पहले इसका कवर होता है, रोलर्स का कवर होता है, तो इसमें रबड़ के ये लगे होते हैं, तो इनको आपको चेक कर लेना है कहीं से कटे नहीं होने चाहिए, तो इसको साइड में रख लेते हैं। इसके बाद मैं आपको इसमें रोलर की कंडीशन दिखाता हूँ, तो ये देख सकते हैं अगर ये कैमरा फोकस नहीं कर पाता मेरा अच्छे तरीके से, तो ये रोलर कट चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं, तो मुझे ये रोलर चेंज करने पड़ेंगे। तो ये सारे रोलर निकाल लेता हूँ, 6 रोलर होते हैं इसमें, तो ये सारे कट चुके हैं दरअसल, ये देख सकते हैं सारे कट चुके हैं, इसमें फ्लैट सरफेस बन चुका है। अब ये जो है ये बेरेटर की प्लेट है हमारे पास, इसमें थोड़ा सा पेट्रोल डाल के इसको क्लीन कर लेते हैं। तो ये भी क्लीन हो चुका है, यहाँ भी कोई डर्ट वगैरह नहीं होने चाहिए, वरना जो बेल्ट स्लिपेज की प्रॉब्लम है वो आती है। फाइनली दोस्तों हम पे ये क्लच शू हैं, ये देख सकते हैं आप, तो ये क्लच शू में क्या प्रॉब्लम है ये देख सकते हैं, ये जो क्लच यहाँ पर मटेरियल है, शू का मटेरियल, ये बिल्कुल जो है चिकना हो चुका है, बिल्कुल स्मूथ हो चुका है एकदम, तो जिस कारण से ये क्या कर रहा था, जो हमारा क्लच बेल होता है उसके साथ अच्छे तरीके से पकड़ नहीं बना पा रहा था। तो इनको क्या करना है, आपको एमरी पेपर से थोड़ा थोड़ा इसमें घिसना है, ठीक है, तो इन्हें घिस लेते हैं। तो ये अच्छे प्रकार से घिस लिए हैं, इनका मटेरियल जो है अब दिखने लग गया है, ये देख सकते हैं पहले काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुके थे, तो अब रफ दिख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो आप जो है हम रोलर चेंज करते हैं, तो ये पुराना वाला जो बेरेटर है ये कम्प्लीटली जो है ख़राब हो चुका है, क्योंकि इसमें देख सकते हैं आप ये बहुत सारे जो हैं स्लॉट बन चुके हैं, तो ये कट चुका है कम्प्लीटली, और ये रोलर भी ख़राब हो चुके थे, तो मैं इन्हें दोनों को नया ले आया हूँ। तो ये जो है बेरेटर में यहाँ पर ओसीमो का लिया है, क्योंकि जो ओरिजिनल था वो काफ़ी ज़्यादा महंगा था, अराउंड 550 रुपीज़ का था, और ये ओसीमो का है जो कि है 240 रुपीज़ का पड़ा मुझे, तो ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो यदि मैं प्रेफर करूँगा कि आप ओरिजिनल लाएँ, तो मेरी थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मैं ये ओसीमो का ले आया। इसके बाद जो रोलर्स हैं ये ओरिजिनल ले आया मैं, 6 रोलर्स हैं, ये अलग अलग पैकेट में आ रहे हैं, इस बार नए पैकेजिंग आ गई है इनकी, तो 6 रोलर्स हैं अलग अलग पैकेट में हैं, तो इन सबको हमें इसमें इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने से पहले हमें थोड़ा थोड़ा ल्यूब करना है, थोड़ा सा, बहुत माइन्यूट सा, पता भी नहीं चलना चाहिए, एक थिन फिल्म जो है उससे ल्यूब्रिकेट करना है ग्रीस से, और उसके बाद एक रोलर्स लगाने हैं। तो मैंने यहाँ पे रोलर्स ल्यूब करके अच्छे तरीके से लगा लिए हैं, तो इसमें जो ग्रीन वाली साइड है वो इस साइड आएगा, ये ग्रीन वाली साइड है इस साइड आएगा, और वाइट वाली साइड इस साइड। तो ये रोलर्स लगाने के बाद इसका कवर जो आता है, ये कवर है इसका, तो इसको लगा लेना है, तो ये कवर लग गया है, और ये फ्रीली ग्लाइड करनी चाहिए, तो ये फ्रीली ग्लाइड कर रहे हैं। तो इसके बाद हम इसे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम बेरेटर इंस्टॉल करेंगे, तो बेरेटर के अंदर ये बुश आता है, तो सबसे पहले बेरेटर के अंदर ये बुश को लगा लेंगे, ये बुश चले गया, अब उसको वहाँ बैठा लेंगे। तो अच्छी तरीके से यहाँ बैठ गया, तो यहाँ इंश्योर करना कि कोई भी ग्रीस वगैरह ना हो, वरना बेल्ट जो है स्लिप करेगी। एक बार हमारा बेरेटर बैठ जाए उसके बाद हमें एक क्लच शू बैठाना है, तो एक क्लच शू यहाँ पर लग जाएगा। तो क्लच शू लग गया, इसके बाद हमें बेल्ट लगानी है। क्लच शू लगाने के बाद हमने जो है बेल्ट ड्राइव भी लगा ली है, इसके बाद हमने ये लगाना है, अपना क्लच ड्रम लगाना है या क्लच बेल लगाना है। तो क्लच बेल भी हमारा लग चुका है, क्लच बेल लगाने के बाद ये वॉशर लगाना है, और वॉशर लगाने के बाद ये नट टाइट कर देना है यहाँ पर, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टाइट होता है। तो यहाँ पर नट टाइट हो गया है। एक बार हमारा जो ये बेल्ट है और एक क्लच ड्रम लग जाए, तो इसके बाद हमें ये अपना
बैंडिज गियर के लिए जो हमारा गियर आता है वो लगाना है, तो इसको भी लगा लेते हैं। तो ये भी लग गया है। इसको लगाने के बाद हमें ये किक के लिए जो मैकेनिज्म आता है वो लगाना है। इसके बाद एक वॉशर आता है और इसके बाद ये नट। तो जल्दी से इन्हें टाइट कर लेते हैं और फिर बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ट्रांसमिशन है वो कम्प्लीटली असेंबल हो चुका है। तो मैं अब इसकी टेस्ट राइड लेके आता हूँ और देखता हूँ कि इसमें जो पिकअप प्रॉब्लम था उसका सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। दोस्तों तो मैं यहाँ पर स्कूटी की जो है एक टेस्ट राइड लेके आ चुका हूँ। तो स्कूटी जो है काफ़ी ज़्यादा स्मूद रन कर रही है पहले से ज़्यादा। पिकअप जो है इंक्रीज़ हो चुका है, हैंडल वाइब्रेशन कम्प्लीटली वैनिश हो चुका है और जो अनइवन एक्सेलरेशन था वो भी जो है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है। कहने का मतलब है कि पिकअप पूरा जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा हो चुका है। हालांकि मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो यहाँ पर वेरिएटर था वो मैंने जो है ओरिजिनल यूज़ नहीं करा था क्योंकि उसकी जो कॉस्ट थी वो थोड़ा ज़्यादा थी। और दूसरा जो यहाँ पर जो है जो मेरी बेल्ट थी वो भी उसमें क्रैक आने शुरू हो गए हैं, मतलब उसको भी चेंज करने का टाइम हो चुका है। हालांकि केवल 12,000 किलोमीटर चली है और अभी से इसमें इतने ज़्यादा प्रॉब्लम आने शुरू हो चुके हैं। तो हीरो को इसमें थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए और अपने पार्ट्स को और अपनी स्कूटी को जो है और ज़्यादा रिलायबल बनाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।